निर्दोष पुत्रों को वध करके मैंने पाप किया, लेकिन आज हमें पता लगा कि नहीं, वसुदेव ने हमारे साथ छल किया। इसलिए देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने के लिए वसुदेव ही माध्यम है आपको। अगर आपने वसुदेव को दंड दिया या मार दिया तो कृष्ण तक आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ऐसा कदापि मत करना। राजा कंस ने कहा, तो गुरुदेव फिर क्या करना चाहिए? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि राजन, ऐसा करो कि अपने राज्य में कोई मेले ठेले का आयोजन कर लो और उसी में आमंत्रण देकर कृष्ण बलराम को बुला लो यहाँ पे, और फिर उन्हें मारना आसान हो जाएगा। नारद देव जी तो जानते हैं कि उसे मारना आसान नहीं, तुझे मारना भगवान को आसान हो जाएगा, अपने मृत्यु को ही तो आमंत्रण देगा। लेकिन नारद देव जी कहते हैं कि राजन, ऐसा करो कि कोई मेले ठेले का आयोजन करके कृष्ण बलराम दोनों को यहाँ पर बुला लो, और जब यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें मारना आसान हो जाएगा। कंस ने कहा कि गुरुदेव, वो हमारे आमंत्रण पे आएंगे क्यों मथुरा? नारद जी ने कहा, ऐसा करो कि उनके चाचा जी हैं अक्रूर जी, उन्हें बुलाने के लिए उन्हीं के चाचा को भेज दो, और उनके साथ विश्वास में आराम से आ जाएगा। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को जब बुलावा आया राजा कंस का, तो मन में सोचने लगे कि आज इस दुष्ट कंस ने मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया? लेकिन अगर नहीं गए तो भी पता नहीं क्या करें हमारे साथ। इसलिए अक्रूर जी राजा कंस के बुलावा पर महल में पहुंचे तो बड़ा सेवा सत्कार किया। अक्रूर जी का बड़ा सेवा सत्कार किया। अक्रूर जी भी विचार कर रहे हैं कि जो ये दुष्ट कंस कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज मेरा बड़ा खातिरदारी कर रहा है, बड़ा सेवा कर रहा है, क्या बात है? तो कंस ने कहा कि हमने एक मेले का आयोजन किया है और उसमें भव्य मल्ल युद्ध का भी तैयारी हो रही है, रंग महल भी सजेगा। मेरी इच्छा है कि सुना है कृष्ण और बलराम बड़े बलवान हैं, तो क्यों ना कृष्ण और बलराम को भी इस मल्ल युद्ध में आमंत्रित किया जाए। अक्रूर जी तो समझ गए कि ये क्यों बुला रहा है कृष्ण और बलराम को, लेकिन अगर उसका आदेश ना माने तो भी इनके साथ वो गलत व्यवहार करेगा। और फिर अक्रूर जी ने सोचा, चलो इसी बहाने भगवान कृष्ण का दर्शन तो होगा, क्योंकि जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो कारागार में हुआ, रात्रि के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ और रात के 12 बजे ही वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल में चले गए, तो मथुरा वासियों को तो भगवान का दर्शन का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसलिए अपना परम सौभाग्य मानते हुए अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए चल दिए। गच्छ नंद व्रजं तत्र सुता वानक दुन्दुभे आसाते दाभिहाने कंस ने
अक्रूर जी को ब्रज में भेजा, जाइए और वसुदेव पुत्रों को रथ में बिठा कर ले आइए। अक्रूर जी कंस के षड्यंत्र को जान गए, लेकिन अपना सौभाग्य मान करके सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण का दर्शन होगा ऐसा सोचकर कृष्ण बलराम को लेने के लिए चल दिए। अक्रूर जी वृंदावन गए तो वहां भगवान श्री कृष्ण गौ दोहन कर रहे थे, गाय को दूर रहे थे। जैसे ही देखा कि हमारे चाचा आ गए, वैसे ही भगवान दौड़कर और अक्रूर जी के चरणों से लिपट गए। चाचा आए, चाचा आए, चाचा आए, बड़े प्रेम से अक्रूर से जाकर लिपट गए। अक्रूर जी ने भी भगवान कृष्ण से मिलकर अपना सौभाग्य माना और फिर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को ले जाकर विश्राम कक्ष में विश्राम के लिए जाकर उनको शयन कक्ष में ले गए। खुशियों के पल छीने सब राधा को चलती कन्हैया। खतरा है घनघोर, असलम आसिफ आफताब हूँ या कासिम रिजवान, इनके जैसे कितनों छुप कर घूम रहे हैवान। नाम बदल कर बन जाते हैं असलम अमन कुमार, हिंदू बनकर ढूंढ रहे हैं अपना नया शिकार। हिंदू बनकर ढूंढ रहे हैं अपना नया शिकार। अब तो जो जिहादी हैं लब जिहाद वाले, अब हाथों में मौली भी बांध लेते हैं, मस्तक पर तिलक भी लगा लेते हैं, हिंदू नाम भी रख लेते हैं हिंदू लड़कियों को अपने लब जिहाद में फंसाने के लिए। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो और जगाओ, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो और जगाओ, अपने अपने घर के लड़की लड़कों को समझाओ, लव जिहाद में फंसकर जीवन में ना भर ले दुखड़े, आगे फिर ना हो जाए श्रद्धा के 35 टुकड़े, आगे फिर ना हो जाए श्रद्धा के 35 टुकड़े। जाति कर्म कुल धर्म देखकर प्रेम प्रसंग बनाओ, अपना मुंह काला करके ना कुल में दाग लगाओ, अपना मुंह काला करके। तिरणा वर्त पूतना आदि राक्षसी राक्षसों का संहार करके धरती को पाप मुक्त किया, पापियों से मुक्त किया है। ऐसे ही इस प्रकार के जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण करें, जो हमारे बच्ची बच्चियों को जिहाद में फंसाने का प्रयास करें, उनको उसी के भाषा में उनको दंड देने का प्रयास करो। केवल काम से काम रखोगे तो काम करके रोटी तो चला लोगे, धन कमा लोगे, लेकिन इज्जत चली जाएगी। इसलिए पल भर में सारे रिश्ते रातों को तोड़ दे जल्दी। इस जगाएं मचा मचा के शोर, पंडित जी अवधेश मचाएं,
जगाए मचा मचा के शोर, लब जिहाद का जाल बिछाए जिहादी हरोर। इसलिए भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चियों और नौजवान पीढ़ी से विशेष कर आग्रह है, और आवश्यकता पड़ी तो दूजा में भी काम आएगा। तो पूजा के बहाने सब लोग एक एक दो दो शास्त्र अपने शस्त्र अपने घर में रखो, और जब पूजा का समय आए तो पूजा में, और जब दूजा का समय आए तो दूजा में निकाल लिया करो। बोलो शंकर भगवान। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित अवधेश पांडे जी। आप जो है कथावाचक जो है कितने सालों से काम कर रहे हैं इसमें? जी हमको आठ साल हो गए। वैसे तो अपने पूजा पाठ का कार्य, कथा वाचन का छोटे स्तर पे तो हम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा हम 8 सालों से कर रहे हैं, और ये लुधियाना, पंजाब से लेकर पटना, बिहार, अमेठी, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में, अयोध्या के क्षेत्र से ही हम हैं। जनपद हमारा गोंडा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ से अयोध्या भी बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम लोग साइकिल से जाते रहे हैं। तो ये कथा वाचन का कार्य, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का जो प्रयोजन है, ये लगभग 8 साल से हम कर रहे हैं। अब कोई नए जो कथावाचक कोई आपने कर रहे हैं? इस समय हम महेंद्र नगर, पीपल चौक, ग्यासपुरा, लुधियाना में कथा कर रहे हैं। वो एकता क्लब द्वारा कराया जा रहा है, जो कि अब की बार 5वीं बार कथा है। वह कथा मिथिला विद्यापति सेवा संस्थान का स्थान लिया गया है, जहां पर मिथिला विद्यापति जी का मंदिर का निर्माण होगा, उस स्थान पर ही इस कथा को कराया जा रहा है, जो एकता क्लब की अगुवाई में हो रहा है, और उसके मुख्य यजमान कृष्णा पंडित जी हैं, प्रमोद यादव जी हैं, और साथ में शिव कुमार जी, पांडे जी, और वीरू सिंह जी, विजय प्रधान जी, बहुत सारे भक्त मिलकर, घनश्याम वर्मा जी, सब पूरे नगर के लोग मिलकर एक क्लब बनाया है, एकता क्लब, और उसी के द्वारा इस कथा को कराया जा रहा है। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी हैं इस कथा पर? मुख्य अतिथि के रूप में तो अब कथा का 12 तारीख से आरंभ हुआ है, जब से रोज ही सम्मानित जन आते हैं अतिथि के रूप में, और उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, कथा में सम्मिलित हुए हैं, कथा को श्रवण भी किया है, जिनमें जो है हमारे सुरेश अग्रवाल जी, श्री राजेश मिश्रा जी जो पूर्वांचली नेता हैं और पूर्वांचल जन जागरण संगठन से हैं, और हमारे अमित गोयल जी, चंद्रभान चौहान जी, और हमारे वार्ड के काउंसलर सरदार निर्मल सिंह जी, बीएल जी, सब लोग, सभी इधर के जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले जन हैं, वो सब लोग लगभग कथा में आ रहे हैं, और कई कई दिन हाजिरियां दी हैं कथा। पंडित जी, आप इतने सालों से कथावाचक हैं, तो आपने कुछ अपनी किताब वगैरह कुछ ऐसे वो लिखी है प्रवचन के लिए, उसके लिए? जी जी, हम कथा तो नहीं लिखते हैं, कथा तो भगवान की इतनी अपने संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने लिख रखा है, कि उसके आगे हम सब कुछ है ही नहीं। उन्हीं के लिखे हुए वचनों को हम लोग, जो भी आता है अपने बुद्धि विवेक द्वारा, समाज में बाँट रहे, अपने हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। हम कविताएँ लिखा करते हैं, और अपनी श्रीमद् भागवत कथा में, राम कथा में, और अपने श्री राम जानकी बालाजी मंदिर में, जहां साप्ताहिक श्री हनुमान चालीसा का पावन पाठ लगातार 7 वर्षों से हो रहा है, उसमें भी इन कविताओं को बोलते रहते हैं। जो पानी के ऊपर कविता लिखा है, कि हम जल का संचय किस प्रकार से करें, कि आने वाला समय हमें पानी ही कम पड़ जाएगा, तो पानी के लिए कविता लिखा है। भ्रूण हत्या पर हमने कविता लिखा है, जो छोटी बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं, उसके खिलाफ कविता लिखा है। नशा के खिलाफ हमने कविता लिख रखा है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आप जो है आप इतने टाइम से कथा कर रहे हो, तो अब पहले के अपेक्षा अब कुछ क्या ऐसा लग रहा है कि भगवान की तरफ जनता कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही है कुछ अब? जी देखो, जब सत्संग होंगे, कथाएँ होंगी नगर नगर में, तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव तो समाज पर पड़ता ही है।
आप क्या कहना चाहेंगे आगे अपने भक्तजनों को? मैं अपने भक्तजनों को कहूंगा कथा के माध्यम से कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग आगे आए। केवल कथा में ठुमके लगा लेने मात्र से या नाचने गा लेने मात्र से अपने धर्म और सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कृष्ण से ही हम लोगों ने ही उपदेश लेना है कि जब कोई आतताई हमारे धर्म के ऊपर अटैक करता है, हमारे धर्म के धर्म संकट में पड़ जाता है, तो भगवान भी हथियार उठाए हैं। और भगवान देवी देवता बार बार हम लोगों को यही संकेत देते हैं कि जैसे भगवती देवी जिनके भ्रुकुटी को टेढ़ी करने मात्र से संसार में प्रलय हो सकता है, वो देवी भी अपने भुजाओं में खटक लेकर रहती है, तलवार धारण करती है। तो बताती हैं कि आप लोग भी जहाँ धर्म के ऊपर हमारे संस्कृति के ऊपर कोई संकट आए तो उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पंडित जी, देखा गया है कि आपकी कथा के दौरान जो है आपके प्रवचन, आपकी जो कथा सुन के लोग बार मजबूर हो जाते हैं ताली बजाने के लिए, इतनी उत्साह देखने को मिलता है, तो इसका जो श्रेय है ये आप किसे देना चाहेंगे? आप जो है मजबूर हो जाते हैं आपके लोग प्रवचन सुनने के लिए, आपकी कथा सुनने के लिए, और पंडाल जो है भरा रहता है, उनको बैठने की जगह नहीं होती, खड़े रहते हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? आप इसका श्रेय जी भगवान को है। भगवान ही चाहे तो मिट्टी को सोना बना दे, और लोगों का स्नेह है और अच्छी बातें उनको अच्छी लगती हैं तो कई बार उत्साह बढ़ाने के लिए वो तालियां भी मार देते हैं। बाकी ये सब कुछ परमात्मा की देन है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं वैसे बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और यहाँ गैसपुरा न्यू रामनगर में रहस है, और मिथिला विद्यापति सेवा संस्थान व न्यू रामनगर क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मंदिर है श्री राम जानकी बालाजी मंदिर, जहाँ पे पूज्य गुरुजी अवधेश पांडे जी महाराज के सानिध्य में 6 साल से मैं रह रहा हूँ, और इनके सुमधुर वाणी को सुनकर, इनके आशीर्वाद प्राप्त करके मैं और मेरा परिवार, साथ में हमारे जितने भी साथीगण हैं, वो धन्य हो चुके हैं। इनके द्वारा जितने भी प्रवचन आज तक मैंने सुना और अपने जीवन में उसको उतारा, तो हमें बहुत लाभ मिला है और हमारे साथियों को भी लाभ मिला है, हमारे परिवार भी सब जुड़े हुए हैं। इनकी जहाँ जहाँ कथा होती है हर जगह हमारे पूरे के पूरे हाजिरी लगती है। 7 दिन की कथा होती है और 7ों दिन हमारी हाजिरी लगती है। इनके सुमधुर वचन सुनकर मैं अब अपने आप को इतना व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा, मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। और ख़ासकर जो मंगलवारी पाठ होता है, वो गुरु जी ने इतना बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ। आप कब से जुड़े हैं इनके? मेरे को 6 साल से ऊपर हो गए। क्या कारण रहा है कि आप 6 साल से इनकी सेवा में हैं? जी कारण यही है, जो धर्म मार्ग पर जो इनके द्वारा प्रेरणा दी जाती है, इनके द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे सनातन धर्म के प्रति इन्होंने बिल्कुल ललकार कर बोलते हैं जो हमारा सनातन क्या है और सनातन की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इनका दिशा निर्देश जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ही हो या आपके साथ और भी कोई अन्य आदमी है जो इससे जुड़े हुए? जी मेरा न्यू रामनगर क्लब है, उसमें 105 प्लस नंबर है, प्लस मिथिला विद्यापति सेवा संस्थान में 250 प्लस नंबर है, वो गुरुजी के साथ में हमेशा है। आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के आशीर्वाद से अब जो आगे कथा चल रही है? गुरुजी के आशीर्वाद से मैं पूरे अपने समाज को हमेशा यह निर्देश देता हूँ कि गुरुजी के द्वारा जो वचन निकाले जाते हैं, वैसे आप देखे भी होंगे सुने होंगे, पंडाल भरा रहता है और हमेशा अच्छी बातें प्रेरणा देती हैं।